नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश। आज आपको बताऊंगा टीनिया क्रूडिस क्या होता है या जिसे जॉक ईच के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। ये जांघ के एरिया में होता है, थाई रीजन में होता है और उसके आसपास के स्किन में होता है, जैसे आपके बटक्स में भी ये फैल जाता है। ये उस कंडीशन में ज़्यादा होता है जब पसीना बहुत ही ज़्यादा निकलता है। बॉडी के जो फोल्ड्स एरिया होता है, जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, जो थाई रीजन है, उसमें पसीना बहुत ज़्यादा अगर निकल रहा है, खास करके गर्मी के दिनों में ज़्यादा ये होता है। जॉक कहने का मतलब स्पॉट्स होता है, तो ज़्यादातर ये खिलाड़ियों में ज़्यादा होता है, जो स्पॉट मैन होते हैं उसमें पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। पसीना निकलने के बाद वहाँ पर ये फंगस एक्टिवेट हो जाता है और उनको जॉक इच की प्रॉब्लम्स हो जाता है। कारणों की अगर हम बात करते हैं, तो अगर किसी पर्सन को जॉक इच की समस्या है और अगर आप उसका तौलिया यूज कर लिए हैं, या उसका अगर आप बेडशीट यूज कर लेते हैं, या उसका आप कंघी यूज कर लेते हैं, तो उससे आपको ये हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह का कंटाइजस बीमारी होता है। दोस्तों, साइनस सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको गर्मी के दिनों में ये ज़्यादा बढ़ेंगे, खास करके जैसे जैसे पसीना बढ़ता है, पसीना जैसे जैसे निकलता है, वैसे वैसे ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगता है। शुरुआत में क्या होगा कि आपको एक छोटा सा दाना निकलता है और दाना बिल्कुल लाल होता है, और लाल होने के बाद इसमें इचिंग होने लगता है, इचिंग का महसूस होने लगता है। आप खुजलाते खुजलाते उसमें से पानी का जैसे डिस्चार्ज निकलने लगता है और उसका स्मेल बहुत ही गंदा स्मेल रहता है। जैसे जैसे पसीना कम होते जाता है, वहाँ पर का जो एरिया होता है वो जो जब ड्राई हो जाता है, तो इचिंग कम हो जाती है और आपको ये प्रॉब्लम ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि इसमें ज़्यादा इचिंग होने के साथ साथ वहाँ के जो स्किन के कलर होता है वो ब्लैक हो जाते हैं। तो ये हैं इसके साइनस सिम्टम्स। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस। दोस्तों, ग्रेफाइटिस में ये देखा जाता है कि आपके ग्रोइंग एरिया में या आपके थाई रीजन में, आपके जांघों के एरिया में अगर इचिंग बहुत ज़्यादा हो, खास करके पसीने के कारण पसीना निकलता हो और इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, और खुजलाने के बाद वहाँ पर से चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, खास करके आप जब सोने जाते हो रात में, जब आपको गर्मी लगती है, अगर आप चादर ओढ़ लेते हो या रजाई ओढ़ लेते हो जाड़े के दिनों में भी, या गर्मी के दिनों में भी अगर आप सोने जाते हो और बिछावन की गर्मी से भी आपको अगर इचिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है, इचिंग में खुजलाते खुजलाते आपको चिपचिपा पदार्थ निकलता है, बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल रहती है, उस कंडीशन में ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी का आपको यूज करना है। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं, तो वो है सल्फर। दोस्तों, सल्फर एक एंटीसोरिक मेडिसिन है, और सल्फर में ये सिम्टम देखा जाता है कि बार बार आपको स्किन डिजीज की प्रॉब्लम रहती है, आप बार बार मलहम या एस्ट्रॉयड या बहुत तरह के दवाइयों का यूज करते हैं, फिर भी आपको स्किन डिजीज ठीक नहीं होता है। जॉक इच की समस्या में हम देखते हैं कि आपको जो है इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है सल्फर के रोगी में, और ख़ास करके जब आप सोने जाते हो रात के टाइम में ये बढ़ जाती है, और इसमें ड्राई इचिंग होती है, इसमें किसी भी प्रकार का चिपचिपा पदार्थ नहीं निकलता है, पस का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। इसके अलावा सल्फर का जो रोगी होता है वो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करता है और नहाना नहीं पसंद करता है, कपड़े चेंज नहीं करना चाहता है, तो उस कंडीशन में सल्फर 30 पोटेंसी में आपको यूज करना है। दोस्तों, इसके अलावा एक और मेडिसिन आती है, वो है टेल्यूरियम। दोस्तों, टेल्यूरियम में भी सारे सिम्टम्स इंक्लूड रहते हैं, वो भी रात में बढ़ते हैं, उसमें इचिंग रहती है, दर्द रहता है, जलन होता है, और दर्द के साथ साथ इसमें क्या होता है कि जैसे डंक मारने के जैसे, जैसे मधुमक्खी काटता है उस तरह का डंक जैसे होता है, उस तरह का दर्द होता है, साथ ही साथ स्मेल भी रहती है, तो उसमें भी टेल्यूरियम 30 पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों, ये तीनों दवा जो है वो आप सिम्टम्स के हिसाब से लेंगे, और दो बूंद सुबह शाम आपको यूज करना है।
अब मैं इसमें एक कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ, आपको इचिनेसिया मदर टिंचर, सल्फर मदर टिंचर और कैलेंडुला मदर टिंचर तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके आपको कॉटन में लगा करके अपने ग्रोइंग एरिया में या जांघों के एरिया में जहाँ पे टीनिया क्रूडिस का इन्फेक्शन हो चुका है वहाँ पे सुबह शाम आपको अप्लाई करना है। दोस्तों ये तरीका आपको लगातार एक सप्ताह तक अप्लाई करें और मेडिसिन भी अगर आप एक सप्ताह तक लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी आप जॉक इट्स की समस्या से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। किसी प्रकार की बीमारियाँ या अगर आप घर बैठे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप ये सुविधा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।